मैपिंग अप्लाई करने से जो वैल्यू आती है उससे क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है जी, इफ ए बी बिलोंग टू डी विद बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग टू डी सच दैट, अगर हम दो नॉन जीरो एलिमेंट ले लें उस इंटीग्रल डोमेन के, तो हमारे पास कोई दो मतलब क्यू और आर इंटीग्रल डोमेन में से ही ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे हम वो डिवीजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं इसको, और यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो वो उन दो एलिमेंट जो ए और बी हमने लिए हैं, क्या प्रॉपर्टी होगी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, वेयर ये जब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाई ऑफ आर ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए फाई ऑफ बी से, या हो क्या होना चाहिए जो रिमाइंडर है वो हमारे पास जीरो होना चाहिए, ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, फाई ऑफ ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए फाई ऑफ ए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में हम लिखते हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए, फाई ऑफ आर लेस स्ट्रिक्टली लेस देन फाई ऑफ बी होना चाहिए, या तो आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो किसी इंटेग्रल डोमेन से सेट ऑफ इंटीजर की तरफ मैप कर रहा हो और इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं अक्लिडियन फंक्शन। क्लियर है अक्लिडियन फंक्शन? हाँ जी, राबिया, इफ्रा, इकराम। भाई इसमें एक अगर मैं इंक्लूड करूं कि आप कह रहे ना कि हमारे पास डी कोई इंटेग्रल डोमेन हो, तो जी मतलब कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिसकी मतलब डोमेन जो हो वो इंटेग्रल डोमेन मतलब वो खुद हो, और दूसरा जो हो ना उसकी रेंज मतलब जो जी जैसे हम कह रहे हैं तो वो नॉन नेगेटिव वो इंटीजर होनी चाहिए। ये इधर मतलब है कि हम नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए उसकी रेंज, फिर उसके बाद मतलब अगर उसका मतलब कोई हम नॉन जीरो एलिमेंट लें और उसका जो मतलब इमेज हो नॉन जीरो एलिमेंट का वो हमेशा हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर आए, ये ऊपर मेरे ख्याल में ना ऊपर प्रॉपर्टी पहले ये सेटिस्फाई होगी तो फिर हम आगे वाली दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे। हेलो बिलाल, कहाँ चले गए भाई? कि हमने किसी भी डोमेन को कैसे बताएंगे कि ये यूक्लिडियन है या नहीं, तो हम कहेंगे कि हम उसके दरमियान ऐसी मैपिंग फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि जो उस डोमेन को पॉजिटिव इंटीजर्स पर मैप करे और साथ वो दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई करे। ठीक है, अगर हमारे हमें कोई ऐसा यूक्लिडियन फंक्शन मिल जाता है उस डोमेन के अंदर तो वो यूक्लिडियन होगी, और अगर नहीं मिलता है तो वो यूक्लिडियन नहीं होगी। जी भाई, क्लियर? हाँ जी भाई, आगे रिजल्ट है, ना हाँ रिजल्ट है कि एवरी फील्ड एफ इज एन यूक्लिडियन डोमेन, कि जो हर फील्ड होती है ना वो यूक्लिडियन डोमेन होती है, और इसका कन्वर्स लाजमी नहीं है कि ट्रू हो कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज अ फील्ड। ठीक है, तो ये वन वे ट्रैफिक है कि हर फील्ड जो है वो एक यूक्लिडियन डोमेन होती है, ये हमने प्रूव करना है। देखते हैं जी, गिवन दैट एफ इज एन इफ एफ इज एनी फील्ड, वो लेट कर लेते कि एफ कोई फील्ड है, वी डिफाइन अ फंक्शन, तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि एफ को प्रूव करना चाहते हैं यूक्लिडियन, तो हमें पता है कि यूक्लिडियन प्रूव करना चाहते हैं तो हमें कोई फंक्शन ढूंढना पड़ेगा एफ से जी के ऊपर जो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो देखें वो सर
इवन द एड भाई इधर जब एफ इज एनी फील्ड तो इसका मतलब कि फिर ये इंटीग्रल डोमेन होगी। जी हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली हर फील्ड जी जो है इंटीग्रल डोमेन होती है, तभी हम कर सकते हैं ना कि वो हाँ जी इंटीग्रल डोमेन से जी के ऊपर लेना है। तो इधर वो हम जब करेंगे उधर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने कहना कि चूंकि एफ फील्ड है और एफ क्या है कि इंटीग्रल डोमेन है, लिहाजा हम कोई यूक्लिडियन फंक्शन फाइंड करेंगे एफ से जी के ऊपर, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, फाई एफ जी ए भाई इक्वल टू जीरो हाँ ले जी लेते हैं। अब ए हमने क्या लेना है, कोई नॉन नेगेटिव एलिमेंट लेना है एफ का आर्बिट्रेरी। अब देखो आप एफ का कोई भी आर्बिट्रेरी नॉन सॉरी नॉन जीरो एलिमेंट लेना है, एफ का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लो वो आपको क्या देगा, जीरो। जीरो क्या है, एक नॉन नेगेटिव नंबर है। राबे मेरे ख्याल से जहां आप बात कर रही थी ना कि वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो वहां पे लफ्ज नॉन नेगेटिव आना चाहिए, जीरो भी शामिल होता है मेरे ख्याल से, जीरो भी वैल्यू दे सकता है। नो नेगेटिव इंटीजर हाँ जी हाँ तो पॉजिटिव का नहीं लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि जीरो भी मैप हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब ये बात तो ठीक है कि यहाँ तक तो हम पहुंच गए, वो नॉन नेगेटिव है। अब देखते हैं कि जो हमने फाई डिफाइन किया है आया कि वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो ए तो हमने पहले ही कंसीडर किया हुआ है, अब एक और नॉन जीरो एलिमेंट बी कंसीडर कर लेते हैं जो किसका एलिमेंट है, एफ का ही एलिमेंट है। ये लाइन जो लिखी हुई है, लेट ए बी बिलोंग टू एफ विद बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो फाई एफ बी क्या होगा, अब चूंकि ए बी बिलोंग कर रहे हैं किसको, उसको एफ को, तो फाई एफ ए भी जीरो होगा, फाई एफ बी भी जीरो होगा। ठीक है, तो ए भी ना वो है नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो ही होगा, ए भी नो नॉन जीरो ही जी नंबर होगा ना। और दूसरी बात क्या है कि ए भी बिलोंग करता है एफ को, और एफ हमें पता है कि क्या क्या होता है, विदाउट जीरो मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप होता है, फील्ड जो होती है वो मल्टीप्लीकेटिव होता है ना ग्रुप पे, जीरो को निकाल के। अंडर एडिशन वो अबिलियन ग्रुप होता है, और अंडर मल्टीप्लीकेशन वो ग्रुप होता है जी जो फील्ड जो होता है। तो ए भी क्या है, क्लोज एफ, मैं क्योंकि इधर वो सही ग्रुप समझ होता आई है मतलब लिहाजा। ये जो फंक्शन इतना है जी, क्या कह रही हो, आवाज नहीं आ जो रही। फंक्शन मतलब ये हमने जो डिफाइन किया फाई ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो जी जीरो जीरो मतलब क्यों लिया कि मतलब अगर सर कह दें कि आप और कोई भी तो ले सकते थे जीरो क्यों लिया आपने तो इसकी क्या मतलब हम वजह बताएंगे इधर से नहीं मुझे समझ आई। मतलब कि पूरे डोमेन को ये हम रेंज को हमारी कवर नहीं कर रहा, मतलब वन भी आवाज ले नहीं सकते थे, आई टू भी, हाँ मतलब वन भी ले सकते थे, टू भी ले सकते थे, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले सकते थे। तो जी अगर पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं तो क्या होना है, आवाज नहीं आ हाँ रही जी भाई कराम, हाँ हाँ जी कराम, आप बता दें ये बात ठीक है कि नहीं, काम चलाया जा सकता है कि नहीं इससे, आपके जहन में कोई आइडिया फंक्शन को लेकर। हमने फाइव फंक्शन लेना है एफ से जी के ऊपर, तो हमने लिया फाइव एफ ए इक्वल टू जीरो, हाँ नहीं नहीं जी बी तो हम बी तो नॉट इक्वल टू जीरो ले रहे हैं ना, रेंज को, हाँ रेंज को जीरो क्यों मतलब जो लिया है। हमने ये डिफाइन किया है कि फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है तो अगर सर ये पूछ लें कि अगर आप लोगों ने मतलब फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो ही क्यों रखा है आप इसको कोई और भी तो नंबर दे सकते थे नहीं समझे आप, बात नहीं समझ रहे,
वो मेरी बात सुने, वो कह रही है कि हमने फाइव फंक्शन, हमने जब प्रूव करना है कि एफ क्या है, यूक्लिडियन डोमेन है, तो हमने कोई फाइव फंक्शन ढूंढना होता है एफ से जी के ऊपर। आगे हमने फाइव की जो डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखा है कि फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ, कि एफ का कोई भी एलिमेंट ले लें वो मैप हो जाएगा जीरो पे। वो कहती है कि जीरो ही क्यों लिया है, कोई और फंक्शन भी तो ले सकते थे। अब देखे ना ये इसकी रेंज बन रही है कि नहीं, वन और फाइव पे ये तो कोई कंडीशन नहीं है ना कि वो वन वन होना चाहिए या ऑन टू होना चाहिए। नहीं, ये तो वही कंडीशन है, बस ये उस वो यही कंडीशन कंडीशन यही है ना, लगाई थी। कंडीशन यही है ना कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो हाँ, कि वो ग्रेटर देन जीरो हमने है, हम इक्वल टू जीरो। हाँ हमने सिर्फ एक फंक्शन ढूंढना है, मतलब आर्बिट्रेरी कोई भी ले सकते हैं हमारी पॉसिबिलिटी है। हमें कोई एक भी ऐसा फंक्शन मिल जाता है जो यूक्लिडियन हो तो हम कह सकते हैं कि वो डोमेन हमारी क्या है, यूक्लिडियन डोमेन है। तो अब ये फंक्शन देखें, ये क्या है, नॉन नेगेटिव ही है। हाँ हाँ जी, कि ये ग्रेटर देन जीरो, सही। हाँ तो सिर्फ फाइव पे एक ही कंडीशन है ना कि वो नेगेटिव फंक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव वैल्यू ना दे हमें किसी भी एलिमेंट, बाकी जो मर्जी देता रहे। तो हम मतलब इसको लेके हाँ चलते हैं। हाँ जी, ये उस बात इस बात को तो फुलफिल कर रहा है ना कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो वो नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। हाँ अगर जी, पहली बात, पहला टारगेट तो हमारा यही था ना कि कोई ऐसा फंक्शन हो जो हमें नॉन नेगेटिव दे वैल्यू, ठीक है, वो पहला टारगेट हमने अचीव कर लिया। आगे हम देखते हैं कि वो क्या नाम वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। जो अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि कोई और भी ले सकते थे, जैसे अगर हम जीरो की जगह वन रख लें या अकेला टू भी रख लें, कांस्टेंट फंक्शन ले लें, वो भी बात ठीक हो जानी है। तो हमें तो सिर्फ एक फंक्शन चाहिए था ना, और जैसे हम सेट थ्योरी में फंक्शन ढूंढते हैं तो उधर तो बहुत सारी कंडीशन होती है कि वो वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, देखते हैं कि वो पूरी हाँ डोमेन जी, को भी कवर कर रहा है या नहीं, या पूरी रेंज को कवर कर रहा है या नहीं। इधर तो हमारे पास ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है कि वो डोमेन और रेंज को पूरी को कवर करे, मतलब कि आप कहो कि जी के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट हैं तो फिर ये एक ही एलिमेंट बार बार देगा बस। तो चूंकि इसमें वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है डोमेन रेंज के, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो डोमेन के किसी पॉइंट पर नॉन सॉरी किसी पॉइंट पर नेगेटिव वैल्यू ना दे, ठीक है। भाई तो हमने ये जी, फंक्शन कंसिडर कर लिया। तो हमने ये अगर पूछा जाए कि ये क्यों लिया, तो हम कहेंगे कि हमारा जो मकसद था वो यही था कि जो नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलनी चाहिए हमें किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए। तो अब देखें, ए और बी दो नॉन नेगेटिव एलिमेंट ले लिए एफ के, ए भी किसके एलिमेंट है, फील्ड के। फील्ड हमें पता है मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट होगा, एफ का। और जब ए भी नॉन नेगेटिव है तो अलग अलग, तो उनका प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट भी नॉन नेगेटिव होगा। तो हमने ऊपर जो फंक्शन की डेफिनेशन की है वो यही किया कि डोमेन के हर नॉन नेगेटिव को मैप कर रहा है जीरो पर। तो फाइव एफ ए बी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के, और जो किसके जी बराबर है, फाइव एफ ए के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, फाइव एफ ए बी इक्वल टू फाइव एफ ए। यही कंडीशन होती है ना कि वो या तो ग्रेटर होना ग्रेटर चाहिए, हो इक्वल होना जी, चाहिए, तो ये इक्वल वाली कंडीशन आ गई। तो मतलब बात ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है पहली कंडीशन, ठीक। भाई अब फाइनली वो कहता है इफ ए बिलोंग टू एफ एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग टू एफ, अगर बी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है एफ का, ठीक है, तो लाजमी तौर पे बी का इनवर्स भी एफ के अंदर मौजूद होगा, होगा कि नहीं। जी भाई, होगा होगा हाँ होगा, क्यों, क्योंकि वो अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ग्रुप जी, होता है, और सिर्फ जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता फील्ड के अंदर, बाकी हर एलिमेंट का होता है। और जो जिसका ना हो फिर वो फील्ड ही नहीं रहती है अगर वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ना बने तो। देन वो यू कैन राइट, तब वो कहता है कि ए को हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए इंटू बी इनवर्स इंटू बी प्लस जीरो। जब एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे
क्योंकि फील्ड वो क्या है, हमारे पास ग्रुप है, ये तो सारे ग्रुप के ही एलिमेंट है और ग्रुप के एलिमेंट्स पर हम हमें पता है कि एसोसिएट लॉ होल्ड करता है, तो बी और बी इनवर्स पर ब्रैकेट चेंज करेंगे तो वो बी इनवर्स बी क्या देगा हमें, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ए प्लस जीरो आ जाएगा, मतलब ए बराबर ए के ही आ जाएगा। समझ आ गई इस बात की, इक्वल टू ए बी इनवर्स इंटू बी प्लस जीरो, असल में ए को ही हमने लिखा है। हेलो, हाँ जी भाई। तो अब देखें ये ए बी इनवर्स क्या, इसको हम, ये भी कोई मतलब वो होगा ना, इंटीजर ही बनेगा, फील्ड का ही एलिमेंट बनेगा, उसको हमने ले लिया क्यू। वो ड्रीजन एल्गोरिथम यही होता है ना कि दो एलिमेंट अगर उसमें है तो एक को हम उस फॉर्म में लिखते हैं इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, और क्यू आर भी उसी फील्ड के ही एलिमेंट होते हैं। तो हमने ए बी इनवर्स को क्यू का नाम दे लिया और आर बराबर रख लिया जीरो के। ठीक है, तो आगे हमने वो बात लिख भी दी कि वेयर क्यू इक्वल टू ए बी इनवर्स एंड आर इक्वल टू जीरो। अब अगर ये गौर से दूसरी प्रॉपर्टी देखो, ये वाली, उसमें हम यही बात करके आए हैं कि जब आप एक्लिडियन यूक्लिडियन एल्गोरिथम में लिखते हो नंबर को, तो वहां पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, या तो आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अगर आर इक्वल टू जीरो नहीं है तो लाजमी तौर पर फाई ऑफ आर स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए फाई ऑफ बी से। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी वही सेटिस्फाई हो रही है कि आर हमारे पास जीरो आ गया। ठीक है, तो दूसरी को चेक करने की जरूरत ही नहीं। बात आ गई समझ? इधर इधर देखो ना, ये आर इक्वल टू जीरो आ गया, वेयर क्यू इक्वल टू ए बी इनवर्स एंड आर इक्वल टू जीरो, मतलब कि दोनों प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो लिहाजा हम कहेंगे कि एफ इज एन यूक्लिडियन डोमेन। क्लियर, इज इट क्लियर? जी भाई, भाई। जी जी चले आगे, हमने रिजल्ट टू करना है। रिजल्ट टू हमने प्रूव करना है कि यूक्लिडियन डोमेन इज अ प्रिंसिपल डोमेन, कि जो यूक्लिडियन डोमेन होती है असल में वो प्रिंसिपल डोमेन, हर यूक्लिडियन डोमेन क्या होती है, प्रिंसिपल डोमेन होती है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें जो है यूक्लिडियन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत होगी, तो हमने वो ऊपर मेंशन कर लिया यूक्लिडियन प्रॉपर्टी। सॉरी, ज्यादा ज़ूम हो गया। तो यूक्लिडियन फंक्शन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, देख लेते हैं जी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वो कहता है लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन, डी कोई इंटीग्रल डोमेन हो दैट पजेसेस अ यूक्लिडियन फंक्शन पाई, और कोई यूक्लिडियन फंक्शन पाई रखती है। लेट ए बी बिलोंग टू डी, अगर ए और बी डी के कोई एलिमेंट ले लिए जाए देन क्या होता है, ए एसोसिएट बी होगा, ए और बी आपस में क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। अगर नहीं नहीं इधर वो सेट थ्योरी वाला नहीं है, तो ये इधर जो इलामत होती है ना, ये एसोसिएट को जाहिर करती है। वो मेरा फोल्डर पकड़ा ना इस्लाम नंबर थ्योरी का, अगर आपके पास फोल्डर है क्या नाम उसका, नंबर थ्योरी का जो सर ने लिखवाया, उसमें अगर आप लोग एसोसिएट की डेफिनेशन देखो, तो मेरे ख्याल से ये साइन हमने एसोसिएट के लिए यूज किया। जी भाई, जी एसोसिएट के लिए किया है यूज। इक्विवेलेंस की ना तो हमने अभी तक कोई नंबर थ्योरी के अंदर बात की है, और ना ही ये साइन यूज किया है। भाई एसोसिएट की एक मरतबा डेफिनेशन बता दें। हाँ, ये होती है अगर मतलब दो एलिमेंट आपस में, वो ऊपर पड़ा, हाँ वो उठना पड़ेगा आपको, क्या नाम, एसोसिएट दो नंबर आपस में अगर एसोसिएट हैं तो हम उनको लिख सकें ए इक्वल टू यू बी, और यू क्या हो हमारे पास, कोई यूनिट सेट का एलिमेंट हो। नहीं आई बात की समझ? दो एलिमेंट ए और बी डोमेन के ले लिए जाएं, ए को हम बी
के ए और बी को एसोसिएट कहेंगे अगर ए इक्वल टू बी यू हो वेयर यू इज एन एलिमेंट ऑफ द यूनिट सेट। यूनिट सेट का तो पता है ना जी भाई, आ गई समझ के, मतलब एक एलिमेंट जो हमारा एक यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। जी 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 यूनिट एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सके दूसरे एलिमेंट को, एक एलिमेंट अगर बराबर हो यूनिट सेट मल्टीप्लाई से दूसरा एलिमेंट भी, ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है। तो अगर वो दो एलिमेंट आपस में एसोसिएट हैं तो लाजमी तौर पे फिर फाइव एफ ए बराबर होगा फाइव एफ बी, ठीक है, और ये वन वे ट्रैफिक है, एसोसिएट इंप्लाइज एसोसिएटिविटी इंप्लाइज करेगी फाइव एफ ए इक्वल टू फाइव एफ बी। बी रिमार्क क्या है, अगर ए डिवाइड करता है बी को एंड फाइव एफ ए इक्वल टू फाइव एफ बी, दोनों प्रॉपर्टी दोनों चीजें गिवन हो, ए बी को डिवाइड करे और फाइव एफ ए फाइव एफ बी के बराबर हो, देन हम इम्प्लाइज करेंगे कि ए एसोसिएट है बी के, ए और बी आपस में क्या है एसोसिएट। क्लियर है, समझ आ गई ये बात भी, इनको सिर्फ प्रूव करने की वो जरूरत नहीं है, हमने चूंकि ये मटेरियल यूज करना है तो ये हम प्रॉपर्टी जस्ट इधर इनको समझेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी यूज करनी है उनके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो जो मतलब नोटेशंस यूज हो रहे हैं उनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी भी जी भाई सही है, डिवीजन का थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये बिल्कुल वर्टिकल होता है, ए डिवाइड बी है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो अगर बी डिवाइड ए कर दे फिर भी ये सही होगा भाई, ए डिवाइड देन फिर हम बी एसोसिएट ए लिख लेंगे जी भाई, ठीक है, देन बी इक्वल टू यू ए आ जाए, ठीक है। सी प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर कोई ये जो हम ए ले रहे हैं डोमेन के एलिमेंट ले रहे हैं, हो सकता है कि वो यूनिट सेट के एलिमेंट हो सकता है कि ना हो, तो अगर वो जो एलिमेंट ए है वो डी के यूनिट सेट का एलिमेंट है, या सादा लफ्जों में कहा जाए कि ए कोई यूनिट है डी का, तो वहां से इम्प्लाई करेगा इफ एंड ओनली इफ वो के साथ कंडीशन है कि अगर इफ ए बिलोंग टू यू डी इम्प्लाइज दैट फाइव एफ ए इक्वल टू फाइव एफ वन। जी जी नहीं, यूनिट सेट वो नहीं होता, यूनिट हमने डेफिनेशन पढ़ी है यूनिट की, यूनिट एलिमेंट डी एन एलिमेंट, अगर मैं इधर से रीड करके आपको बताऊं, मेरे सामने लिखी हुई है एन एलिमेंट ए इन डी इज कॉल्ड अ यूनिट एलिमेंट ऑफ डी, किसी भी डोमेन के एक एलिमेंट ए को उस डोमेन का यूनिट एलिमेंट कहेंगे if there exists b in d such that ab equal to ba equal to 1। अगर a को हम d का यूनिट एलिमेंट कहेंगे, अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, सादा लफ्जों में क्या होना चाहिए, अगर उसका मल्टीप्लीकेटिव भी डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, बात आ गई समझ, अगर a b बराबर आ जाता है 1 जब जी जी नहीं उस एलिमेंट को उस एलिमेंट को जब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, अगर ए बी बराबर वन है तो ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है, तो दोनों ही वो लाजमी तौर पे फिर यूनिट एलिमेंट होंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आप मिल जाएगा ना, बात आ गई समझ। नहीं सारे नहीं होते क्यों नहीं होते, क्योंकि हमने ये थोड़ी पढ़ा है इंटीग्रल डोमेन जो है वो ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, कहीं पे पढ़ा ये हमने नहीं पढ़ा, अगर वो अंदर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा तो फिर वो प्रॉपर्टी होती है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, बात समझ आ गई कि नहीं, हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब यही होता है ना कि वो तो ग्रुप के, जब हम बात कर रहे होते हैं ग्रुप के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन में तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। हेलो इधर ही हो, हाँ जी देखें
तो जब वो यूनिट एलिमेंट आप फाइंड करोगे ना किसी भी डोमेन के, उन यूनिट सेट का जो सेट बनेगा, यूनिट एलिमेंट का जो सेट बनेगा, वो आगे मल्टीप्लीकेशन होता है ग्रुप। ठीक है, डोमेन के ऊपर जो हमारी इंटेग्रल डोमेन है उस पर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो इंटेग्रल डोमेन के जो हम एलिमेंट्स निकालेंगे ना, यूनिट होंगे, उनको अलग निकाल के एक सेट बना लिया जाए, वो जो सेट बनेगा वो एक ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। समझ आ गई? हाँ राविया, क्लियर है आपको इफ्रा? हाँ जी भाई, हाँ जी। तो ये अगर, तो ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है, अगर फाइव एफ ए इक्वल टू फाइव एफ वन आ जाता तो हम कहेंगे कि ए क्या है, यूनिट एलिमेंट है डी। ठीक, दूसरी हाँ बात, जी, अगर फाइव एफ ए ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो, फाइव एफ ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा, सॉरी हो नहीं होगा, फाइव एफ ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा फाइव एफ जीरो से इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। सादा लफ्जों में यही है कि मतलब जो नॉन नेगेटिव, मतलब हाँ नॉन नेगेटिव जीरो भी नहीं लेना, पॉजिटिव जो एलिमेंट है उनका जो इमेज होगा वो ऑलवेज फाइव एफ जीरो से ग्रेटर देन होगा। जब आइडियल डोमेन के अंदर आइडियल का लफ्ज आता है तो हमें आइडियल का पता होना चाहिए कि आइडियल क्या चीज होती है। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ऐसी डोमेन होती है कि जिसका हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल होता है, जिसका हर आइडियल क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल होता है। ऐसी डोमेन जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो, उस डोमेन को हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। ठीक है, अब जब प्रिंसिपल आइडियल की बात है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि आइडियल क्या होता है। आइडियल क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर इज कॉल्ड एन आइडियल ऑफ आर। तो किसी भी कम्यूटेटिव रिंग का कोई आर का नॉन एम्प्टी सबसेट आई ले लिया जाए, उसको हम आर का आइडियल कहेंगे इफ दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली क्या है, वो दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली क्या है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आई। ए माइनस बी जो है वो आई में बिलोंग करना चाहिए। अगर दो एलिमेंट ले लिए जाए आई के, तो दोनों का डिफरेंस भी किस में होना चाहिए, आई में होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, भाई इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? शॉर्ट में मेरे ख्याल वही कहा था कि इसका इनवर्स एडिटिव, पता नहीं सब ग्रुप, सब ग्रुप ही कहा था हमने, सब ग्रुप होना चाहिए उसका, एक सब ग्रुप और दूसरी दूसरी भी बता दें। दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ए आर बिलोंग टू आई, मतलब कोई ए एक ए एलिमेंट ले लिया जाए आई से और आर एलिमेंट ले लिया जाए किसका, रिंग का, हम ऊपर रिंग डिफाइन करके हैं कम्यूटेटिव रिंग। तो ए आर दोनों का मल्टीप्लीकेशन से जो एलिमेंट बनेगा वो भी किसका, आइडियल का ही एलिमेंट बनना चाहिए आई का। मतलब ये सब ग्रुप टेस्ट ही है ना, एडिटिव पता नहीं सब ग्रुप इस तरह के कुछ, पता नहीं क्या कुछ बोला था, सब ग्रुप ही है पता नहीं। सब ग्रुप अंडर एडिशन कहा होगा। हाँ जी, तो हाँ ठीक है उस्मान, मेरे ख्याल से सब ग्रुप अंडर एडिशन ही कहा था, यही होता है ना कि वो ए उधर जब मल्टीप्लीकेशन की बात करते थे ए डॉट बी इनवर्स लेते थे, तो इधर एडिशन है। ठीक है, अब ये आइडियल की दोनों प्रॉपर्टी दी है कि ए अगर दो एलिमेंट ले लीजिए ए बी आई में से तो ए माइनस बी भी आई का एलिमेंट होना चाहिए। दूसरी क्या है कि अगर ए बिलोंग करे आई को और आर बिलोंग करे आर को, तो ए आर जो एलिमेंट बनेगा वो भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, आई का। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो उस सबसेट को, उस रिंग के उस सबसेट को क्या कहेंगे, उस रिंग का आइडियल कहेंगे।
फिर हमने कहा था कि प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल की क्या डेफिनेशन है। एन आइडियल आई ऑफ आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल, आई को आर का प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट ए इन आर, अगर ए आर के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट आई इक्वल टू द सेट जनरेटेड बाय ए, आई किसके बराबर हो, सेट जनरेटेड बाय ए, मतलब सादा लफ्जों में कि आई को हम किसी ए आर के किसी एक एलिमेंट से जनरेट कर सकते, ठीक है। तो अगर वो जो सबसेट आई है किसी एक रिंग के किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो सकता है तो उसको प्रिंसिपल कहेंगे, अदरवाइज हो सकता है कि वो आइडियल तो हो लेकिन प्रिंसिपल ना हो। आ गई है समझ आइडियल प्रिंसिपल आइडियल? ये कौन सा क्लास है, इधर तो बोल लो। जी जी भैया आ गई। हाँ जी 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 आ गई आ गई। हाँ जी आ गई। तो मजाक कर रहा, माइंड नहीं करना वैसे तो, नहीं नहीं क्लास में भी बोलेंगे, दूसरी बात कोशिश क्या करेंगे इंशाल्लाह। अब क्या बोलना है, अब तो फिजिकल होनी है। उधर ही कह रही हूँ इस वजह से कि उधर भी बोलने की कोशिश किया करेंगे इंशाल्लाह। दूसरे है तो ऑनलाइन आइडियल का पता चल गया, प्रिंसिपल आइडियल का भी पता चल गया, और प्रिंसिपल आइडियल का पता चल गया तो हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का भी पता चल जाना चाहिए कि हम किसी भी डोमेन को प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं अगर उसका हर आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो। देखते हैं जी क्या करना है हमें। लेट डी बी एन यूक्लिडियन डोमेन, हम लेट कर लेते हैं कि डी को यूक्लिडियन डोमेन है। अब हमें प्रूव करना है कि डी का क्या है, एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। हेंस डी पोसेस, अगर डी यूक्लिडियन डोमेन है तो इसके अंदर कोई यूक्लिडियन फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो फंक्शन कौन सा है, पाई है। तो लेट आई बी एन आइडियल इन डी, अब हम डी में से कोई आर्बिट्रेरी आइडियल चूज कर लेते हैं आई, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो हम आई ले रहे हैं ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल आइडियल है। अगर हम आई को प्रिंसिपल आइडियल प्रूव कर दें, क्योंकि ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी आइडियल है, तो हम कह देंगे कि अगर आई प्रिंसिपल आइडियल है तो इसका हर आइडियल क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। और अगर हर प्रिंसिपल आइडियल इसका हर आइडियल प्रिंसिपल है तो फिर वो डोमेन क्या होगी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी। चलें जी पहला केस देखते हैं। वो कहते हैं अगर आई बराबर जीरो है देन आई को हम जीरो से जनरेट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एक ही एलिमेंट है कि वो रिंग, और ये सेट जनरेटेड बाय जीरो से क्या मुराद है कि आर के हर एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करना है, आर के हर एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करके देखना है तो वो आई के एलिमेंट बनने चाहिए, ठीक है। तो ये वो ग्रुप वाला वो नहीं है, साइक्लिक ग्रुप वाला जनरेटर नहीं है कि वो आप मल्टीप्लाई करते जाओगे उसी एलिमेंट को, एलिमेंट बनते जाएंगे, ठीक है। तो सेट जनरेटेड बाय जीरो से मुराद है कि आर का कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करें जीरो से तो जो एलिमेंट बनते जाएंगे वो सेट में आते जाएंगे। अब जीरो से जिस भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे क्या देगा, जीरो, मतलब आई पूरा जनरेट हो जाएगा ना। तो अगर ये इस केस में तो ये ट्रिवियल है कि ये आई जो है वो प्रिंसिपल है क्योंकि जीरो से वो जनरेट हो रहा है। दूसरा केस देखते हैं कि इफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आई जीरो के बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा। अगर आई जो है जीरो के बराबर नहीं है फिर लाजमी तौर पे आई क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, कोई नॉन जीरो एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो हम एक सेट डिफाइन करते हैं, वी कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर एस डिफाइन बाय, अब हम एक सेट ले रहे हैं एस, उसको डिफाइन क्या कैसे कर रहे हैं, एक्स बिलोंग टू आई और एक्स क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, फाई ऑफ एक्स टाइप के। अब कह रहे हैं ना हम कि वो डी जो है क्या है, यूक्लिडियन डोमेन है, आई क्या है उस यूक्लिडियन डोमेन का सबसेट है, ठीक है। तो सबसेट के एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट होते हैं, ठीक। तो ये फाई ऑफ एक्स के से मुराद क्या है, फाई ऑफ एक्स जो है वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ये है फाई क्या है, यूक्लिडियन फंक्शन है जो डी को जी पे मैप करता है। तो फाई ऑफ एक्स रेंज के एलिमेंट बनेंगे ना जी के, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब कौन कौन से लेने हैं नॉन नेगेटिव डोमेन में से, कौन कौन से एलिमेंट उठाने हैं डी में से जो फाई ऑफ एक्स के अंदर पुट करने हैं, वो एलिमेंट उठाने हैं जो आई के अंदर मौजूद हों, बस उससे बाहर जो है वो नहीं लेने,
मतलब सबसेट ले रहे हैं डी का, ठीक। एज आई ना, इस सेट की डेफिनेशन समझ आ गई है इसकी? जी भाई। क्या, हाँ क्या क्या चीजें हमने इधर इस्तेमाल की? एज आई नॉट, इकराम आपको भी क्लियर हो रहा है? इकराम क्लियर हो रहा है मैंने कहा? और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें जहां पे गलत हो, आप लोगों ने मेरी भी करेक्शन करवा देनी है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ आप लोगों की तरह, ठीक है। तो एज आई नॉट इक्वल टू जीरो, अब हमने ऊपर लेट किया हुआ कि कौन सा केस डिस्कस करें, आई नॉट इक्वल टू जीरो, तो एस क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा आई का जो मतलब उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। एस के अंदर एस ऐसा एलिमेंट है, असल में आई के ही इमेजेस का सेट है ना, तो आई क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसके अंदर कोई नॉन एम्प्टी नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो नॉन जीरो का साफ जाहिर है कोई ना कोई इमेज भी होगा आगे इंटीजर, ठीक है। अब चूंकि आई नॉन एम्प्टी है इसलिए एस भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा। अब कौन सी कंडीशन को यूज करना है? अभी हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, ये फाइ एफ ए ग्रेटर देन फाइ एफ जीरो, फाइ एफ ए ग्रेटर देन फाइ एफ जीरो इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर ए क्या है? कोई डोमेन का एलिमेंट होता है और फाइ क्या है? यूक्लिडियन फंक्शन होता है। जो ऊपर हम ये प्रॉपर्टीज लिख के आए, ये डी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, नजर आ रही है? जी भाई, ठीक है, इसका सहारा लेंगे। तो अब देखें एस क्या है? नॉन एम्प्टी है, तो यहां से हम कह सकते हैं वी कैन से दैट एस इज बाउंडेड बिलो, एस जो है वो बाउंडेड बिलो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जीरो तो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आई का हमने जीरो, तो आई के जीरो तो लेना ही नहीं है, मतलब आई हम ऊपर लिख के आए ना जिधर एस डिफाइन किया, तो हमने उधर लिखा है कि एक्स बिलोंग टू आई एंड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे तो नॉन एलिमेंट जीरो एलिमेंट लेंगे तो उसका कोई पॉजिटिव क्या आएगा? इमेज आएगा। तो कोई मतलब ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी जो इमेज है वो कम से कम होगी, ज्यादा से ज्यादा का नहीं पता लेकिन कम से कम का हमें पता है। कम से कम क्या है? कि वो जीरो नहीं हो सकता। तो कोई लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एस के अंदर, एस के अंदर कोई लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एस जो है वो क्या होगा? बाउंडेड बिलो होगा। इधर से भी देख सकते हो ना यार कि ये जो ए हम ले रहे हैं फाइव एफ ए ग्रेटर देन फाइव एफ जीरो, अब ए हमने कैसे चूज करनी है? नॉन जीरो। जब नॉन जीरो चूज करेंगे तो वो फाइव एफ जीरो से बड़े ही रहेंगे, ठीक है। तो हमने हमें छोटे पॉइंट का पता चल गया ना कि जीरो का जीरो से बड़े आने हैं उनके इमेजेस, जो इमेज जीरो का है ना बाकी तमाम एलिमेंट का जो इमेज है वो उससे बड़ा ही आना है, छोटा नहीं आ सकता। यही पता चल गया ना, जी जी फाइव एफ जीरो है, जी फाइव एफ ए लग रहा है मेरे ख्याल, फाइव एफ जीरो है, फाइव एफ जीरो है, फाइव एफ जीरो है। कल जो है ना वो हम लैपटॉप से ज्वाइन करेंगे, कल या जब भी वाइवा हुआ तो लैपटॉप से ज्वाइन करेंगे, तो या और मैं पीडीएफ में भी करेक्शन कर लूंगा ना, पीडीएफ शेयर करेंगे अगर हमारी स्क्रीन शेयर करके जो जो मिस्टेक्स है ना रिवाइज करेंगे वो हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये पता चल गया बाउंडेड बिलो का, क्लियर है? ये फाइव एफ ए ग्रेटर देन फाइव एफ जीरो से हम कह सकते हैं कि यस जो है वो बाउंडेड बिलो होगा। फिर हम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते तो बता दे। नहीं नहीं लग गई है। हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी लग गई है। देखिए ना x नॉट इक्वल टू जीरो ले रहे हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं कि जो नॉन जीरो एलिमेंट का इमेज है
ए नॉन जीरो था ना, फाई एफ ए जो क्या होगा, फाई एफ जीरो से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, जी भाई। मतलब के जो हम है इतने तो खोल उत्तर की सही तो सेंड करने वाला खोल ले इतने खोलने के लिए पोस्ट के लिखा था बड़ी है अब इसको एक मिनट वेट कीजिएगा यार स्वास्थ्य करना तो डिजाइन नहीं थी इफ बी बिलोंग टू आई अगर बी आई का कोई और एलिमेंट ले लिया जाए then phi is a Lidian function has so there exists two r q or r belong to d such that a phi function ki second jo Euclidean function ki second property hum use karenge to usme agar b I ke andar contain karta hai to phir kya hoga b equal to q a plus r b equal to 2 a plus r likh sakte hain ye property hai na Euclidean function ki जी भाई ठीक है तो और हम क्या कहते होते हैं अगर हम इधर लेते थे राइट साइड पे ए लेते थे लेफ्ट साइड पे क्यू बी लेते थे तो हम कहते थे फाई एफ आर लेस देन होना चाहिए फाई एफ ए से ठीक है और अगर सॉरी फाई एफ बी से लेकिन हम हमने अब अपनी तरतीब चेंज की है बी इक्वल टू क्यू ए प्लस आर कह रहे हैं तो हम कहेंगे कि फाई एफ आर स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए फाई एफ ए से या आर बराबर होना चाहिए जीरो के ठीक है दो चीजें होनी चाहिए तो दूसरे वो अब देखते हैं कि क्या बनता है वो कहते हैं नाउ एज आई एन आइडियल आई क्या है आइडियल है अगर आर जो है वो नॉन जीरो हो आर क्या हो नॉन जीरो हो तो फिर क्या होगा कि आर को हम अगर नॉन जीरो ले ले तो क्यू ए को इधर ले आए क्या बन जाएगा बी माइनस क्यू ए अब देखो बी भी किसका एलिमेंट है बी किसका एलिमेंट है आई का ए किसका एलिमेंट है आई का अब पहले फोकस करो क्यू ए के ऊपर क्यू किसका एलिमेंट है क्यू जो है वो एलिमेंट होगा डोमेन का डी का ए किसका एलिमेंट है आई का अब आइडियल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए आर कंटेन करता है आई के अंदर वेयर ए किसमें से लेते हैं हम आई में से और आर किसमें से लेते हैं कैपिटल आर मतलब रिंग में से यही प्रॉपर्टी है ना सेकंड आई की आइडियल हाँ जी हाँ यही तो है। देखो तो क्यू क्यू आर भी आई का ही एलिमेंट होगा ना क्यू सॉरी क्यू ए भी आई का एलिमेंट बन जाएगा ना जी भाई ठीक है अब बी भी आई का एलिमेंट है क्यू ए भी आई का एलिमेंट पहली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे दो एलिमेंट का डिफरेंस भी किसका एलिमेंट होता है आई का एलिमेंट होता है ठीक है तो क्या पता चला कि आर भी किस में चला गया आई के अंदर चला गया ऊपर क्या लिखा हुआ है ऊपर क्या लिखा हुआ है फाइ एफ आर लेस देन फाइ एफ ए अब आर चला गया आई में तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गया कंट्राडिक्शन किसके अगेंस्ट आया जो हमने ऊपर सपोज किया था कि फाई एफ ए क्या है लीस्ट एलिमेंट है उसका एस का अब लीस्ट एलिमेंट कौन सा आर है फाई एफ आर ठीक है अगर आर आई के अंदर चला जाता है तो फिर तो वो लीस्ट एलिमेंट आर फाई एफ आर बन जाएगा हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया ठीक है तो ये क्या है कंट्राडिक्शन है लिहाजा आर कभी भी नॉन जीरो हो ही नहीं सकता तो फिर आर अगर जीरो नहीं हो सकता नॉन जीरो नहीं हो सकता फिर क्या होगा आर क्या होगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो या अगर आर फिर वो पुट करके देखेंगे तो बी किसके इक्वल आ जाएगा क्यू ए के बी किसके इक्वल आ जाएगा क्यू ए के फिर क्यू किसका एलिमेंट है डी का अब देखो B क्या है I का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ना B क्या है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है I का और वो किससे बना